माई हिंदी माई उर्दू चैनल के तहत हिंदी और उर्दू मुहावरों के अंग्रेजी रूप बताने वाली इस सीरीज की चौथी कड़ी में मैं मोइन शमसी आप सबको कहता हूँ सलाम हिंदुस्तान। आज भी मैं आपको कुछ हिंदी और उर्दू के मुहावरे बताऊंगा और उनके अंग्रेजी रूप बताऊंगा। देखिए, एक मुहावरा हिंदी और उर्दू में चलता है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करने लगे तो आपको आसमान और खजूर वगैरह को भूलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आपने सुना होगा कि लगातार कोशिश करते रहने से कामयाबी जरूर मिलती है, और इसके लिए आपने ये कहावत भी सुनी और पढ़ी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जिन लोगों को इसका अंग्रेजी रूप नहीं मालूम हो उनको बताना चाहूंगा कि इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आज की मुलाकात की तीसरी कहावत है हथेली पर सरसों नहीं जमती, और इसको इस तरह से भी कहते हैं कि हथेली पर दही नहीं जमता। तो हिंदी और उर्दू में आप हथेली पर चाहे सरसों जमाने की बात कीजिए या दही जमाने की बात कीजिए, लेकिन अंग्रेजी में इनमें से कुछ भी नहीं जमेगा, क्योंकि अंग्रेजी में आपको कहना पड़ेगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पर सरसों नहीं जमती या हथेली पर दही नहीं जमता। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अंग्रेजी में हमें कहना होगा रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और जब आप कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, तो अंग्रेजी में आपको इसके लिए कहना होगा सो मैनी मैन सो मैनी माइंड्स, सो मैनी मैन सो मैनी माइंड्स, जितने मुंह उतनी बातें। और जब आपको भागते भूत की लंगोटी ही भली लगती है, तो अंग्रेजी में उसे कहना पड़ेगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, भागते भूत की लंगोटी ही भली, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जब उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, यानी जब कोई खुद गलती करके दूसरे को बुरा कहता है, तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और कई दफा दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप किसी का जिक्र कर रहे होते हैं तो अचानक वो शख्स आ जाता है और आप कहते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो इसको अंग्रेजी में कहने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और जब आपसे कोई कहे कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी क्वालिटी चाहिए तो ज्यादा पैसा खर्च करना होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे कह रहा है कि द डीपर द वेल द स्वीटर द वॉटर, द डीपर द वेल द स्वीटर द वॉटर, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। और जब आप उल्टे बांस बरेली को जाते हैं तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, उल्टे बांस बरेली को। जाहिर है आप उल्टे शब्द की अंग्रेजी नहीं सोचेंगे, बांस की अंग्रेजी भी नहीं सोचेंगे, और बरेली शहर को तो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि आपको तब कहना पड़ेगा टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, उल्टे बांस बरेली को। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उल्टी गंगा बहाना, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। और जब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो जाती है तो कहना पड़ता है कि टू मेनी कॉक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मेनी कॉक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। उर्दू और हिंदी में एक और कहावत चलती है कि जैसा देश वैसा भेस, या जैसा देश वैसा वेश, मतलब इसका यही है कि जगह के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेस। और जब मजबूरी आन पड़े और गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़े, तो आप उसको अंग्रेजी में कहें व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है। और अगर आप किसी ताकतवर इंसान के इलाके में हैं और उसी से दुश्मनी रख रहे हैं तो भाई साहब मत रखिए, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। You cannot live in Rome and fight with the Pope.
यू कैन नॉट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, जल में रहकर मगर से बैर नहीं रखना चाहिए। सलाम हिंदुस्तान।